तो बेटा देखिए, हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किस प्रकार से करते हैं। अभी हमको इस पार्ट में देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्या होती है, यानी अल्कोहल कौन सी केमिकल रिएक्शंस दे सकता है, ये हम अभी इस पार्ट में देखने जा रहे हैं। तो आपको पता है, आपने इसके पहले एक हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हेलोअरिंस का जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने प्रिपरेशंस ऑफ अल्किल हैलाइड वगैरह देखे होंगे और अल्किल हैलाइड की कुछ प्रॉपर्टी देखे होंगे। तो वो आपको इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो नंबर वन, आपको पता है बेटा, अल्कोहल में दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है। आप अल्कोहल को कैसे लिखते हो? आर कॉमा आर डैश ओ एच। तो यहाँ पे दो बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्डिंग होती है अल्किल और ऑक्सीजन के बीच में, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, अल्किल का कार्बन, और एक बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। इज इट क्लियर? एक बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो आपको यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड। इज इट क्लियर? यानी अगर ओ एच बॉन्ड टूटता है, ओ एच अल्कोहल में का, ये अल्कोहल है आपका, ये अल्कोहल में का अगर ओ एच बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, तो हमको रिएक्शंस किस प्रकार से मिल सकती है, ये हमको देखना है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले हम अल्कोहल लेते हैं। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं आप। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल। अब देखिए, सोडियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल के साथ, आपको क्या मिल रहा है? रोना। रोना दैट इज नथिंग बट दी सोडियम अल्कोक्साइड। रोना इज ऑल्सो नोन एज सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, इसको आप रोना करके याद रख सकते हो, सोडियम अल्कोक्साइड। तो सबसे पहले अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम, तो अल्कोहल में आर ओ एच का में से ओ एच जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। बराबर है? जैसे ही ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ओ एच बॉन्ड में से एच निकल जाएगा और एन ए उसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? रोना प्लस हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? तो आपको सोडियम अल्कोक्साइड मिलता है जब अल्कोहल को आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हो। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसमें ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड होता है। इज इट क्लियर? समझा आपको? इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब कौन सी रिएक्शंस होती है जिसमें अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिल रहा है? जो रिएक्शन मिल रही है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड, वो तीन प्रकार से मिलेंगी। जैसे रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड हैलो एसिड, तो उसमें आपको नंबर वन मिलेगा, आप रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl देखोगे, फिर रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HBr देखोगे, और उसके बाद रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI देखोगे। ये तीनों रिएक्शंस आपने इसके पहले के चैप्टर्स में, दैट इज नथिंग बट दी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड हैलोरिन में देख चुके हो, फिर भी हम इसमें भी देखेंगे, इस पोर्शन में आया करके। मैंने ये पहले इसलिए लिख के रखा है क्योंकि आपको जो विद इन द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ये सब रिएक्शन आपकी होनी चाहिए, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जिससे आपको यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई भी दे और आप उसको समझ भी सके। तो मैं आपको इसमें डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दैट इज नथिंग बट रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपको तोड़ना है अल्कोहल का, तो उसके बाद रिएक्शंस कैसे होंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड हैलो एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं हम? हैलो एसिड। हैलो एसिड इज नथिंग बट डी हैलो हाइड्रोजन हलाइड। हैलो एसिड, हाइड्रोजन हलाइड। बराबर है? तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन हलाइड की रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl के साथ अब अल्कोहल की रिएक्शन कैसे करोगे बेटा? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप प्रोसेस। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। ये आपके MCQs में आ सकता है। तो रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl विथ अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप प्रोसेस। तो रिएक्शन होती कैसे है? तो अल्कोहल को आप लेते हो बेटा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब ये HCl ये जो है लुकास रिएजेंट से मिलता है, मीन्स अनहाइड्रेट ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज नोन एज लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव्स लुकास रिएजेंट, एंड व्हेन दैट लुकास रिएजेंट रिएक्ट विथ अल्कोहल,
दे फॉर्म अल्किल क्लोराइड, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, अल्किल क्लोराइड मिल रहा है सब वाटर, इज इट क्लियर? फिर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, तो आपको क्या मिलेगा, ये रिएक्शन में आप अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ कर रहे हो, पर आपको पता है बेटा यहाँ पे जो HBr है ये कैसे होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो आप इसको पहले से प्रिपेयर करके नहीं रख सकते, बराबर है? ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर इसको तैयार कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीतु कंडीशन में एक रिएक्शन करते हैं जिसमें आप रिफ्लक्स कंडीशन बोलते हो, और NaBr का रिएक्शन आप H2SO4 से करते हो, किससे करते हो, H2SO4 से करते हो, तो जब आप 2 times NaBr लेते हो प्लस H2SO4 करते हो, तो साइड रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 times NaBr प्लस H2SO4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएंगी 2 times HBr बनेगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा, 2 Na2SO4 सोडियम सल्फेट और आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा। अब ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पे मिल रहा है, ये सीतु कंडीशन दैट इज बेटे रिफ्लक्स कंडीशन में मिल रहा है, तो यहाँ पे जो HBr आपने लिखा है वो आपने पहले से ही नहीं लिया है, वो रिएक्शन में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि HBr बीइंग अनस्टेबल, तो जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा आपको क्या मिलेगा, सिंपल रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे यहाँ से वाटर निकल जाएगा, OH प्लस EH करके वाटर निकल जाएगा और अल्किल आपका ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अल्किल ब्रोमाइड एंड वाटर। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मीन्स विथ HI के साथ कैसी रिएक्शन होती है ये देखेंगे अल्कोहल की। तो देखिए अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ये जो H3PO4 है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये विद द हेल्प ऑफ दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H3PO4 रिफ्लेक्स कंडीशन में जब आप रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल सडनली रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स अल्किल आयोडाइड प्लस वाटर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है H3PO4, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज़ करोगे तो आपको पता है HI इज अ बीइंग अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शन को रिड्यूस कर देगा, बराबर है? तो यहाँ पे आप H3PO4 ले रहे हो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिफ्लक्स कंडीशन में, तब जाके आपको RI मिल रहा है मीन्स अल्किल आयोडाइड मिल रहा है। थर्ड उसमें रिएक्शन हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रेशन, दैट इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज नथिंग बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सो अल्कोहल सॉरी यहाँ पे H3PO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट था नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डन आर डिहाइड्रोजनेटेड बाय द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जब आपके स्किन पे गिर जाएगा अगर H2SO4 तो वहाँ का पूरा वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज नथिंग बट डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, एंड दैट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 आर ऑल यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, तो आप जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करके क्या करोगे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन रिएक्शन बताएंगे, यानी सबसे ज़्यादा फास्ट डिहाइड्रेशन अगर किसी का होता है तो वो टर्शरी अल्कोहल का होता है देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेशन दिखाएंगे प्राइमरी अल्कोहल से, इस प्रकार से आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको अल्किल मिल रहा है ये प्राइमरी अल्कोहल है, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेट कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 2-methyl-butene, तो देखो डिहाइड्रेशन में आपने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया है, बराबर है? तो यहाँ से आप देख रहे हो ये जो CH2 है यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, ये CH3 CCH3, बराबर है, और बाद में ये जो CH3 है बराबर है यहाँ पे आपने क्या कर दिया है डबल बॉन्डिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे CCH3 फिर से मिल जाएगा, ठीक है, और ये H तो CCH3H प्लस H2O, तो ये 2-methyl-butene हो जाएगा, तो CH3CH3 डबल बॉन्ड CCH3H, बराबर है, तो यहाँ पे आपको मिला 2-methyl-butene प्लस H2O, तो यहाँ पे एक बेटर एग्जांपल दिया मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होकर आपको अल्किन मिल रहा है, बराबर है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है,
देन हम फोर्थ रिएक्शन देखेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को पहचानने की। अब देखेंगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट H2SO4 या फिर अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन या फिर PCC, अब पीरीडीन क्लोरो है ना, ये जो है पीरीडीन क्लोरो है ना, ये जो है आपका क्या है क्लोरोक्रोमाइड ये आपका, या फिर PDC पीरीडीन डायक्रोमेट वगैरह, ये कोलिन्स रिएजेंट के तौर पर पहचान में आते हैं, ये भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, तो आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया बेटा, अगर आप उसको PCC के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको पहले नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को रिड्यूस कर देंगे प्रोपेनल अल्डिहाइड में, ठीक है, और आप अल्डिहाइड को आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल पहचानने का, यानी आप अगर क्या कर रहे हो, आप अगर यहाँ पे प्रोपेनॉल ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है प्रोपेनाल्डिहाइड मीन्स प्रोपेनॉल मिल रहा है, ठीक है। फिर आपने अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल का आपने अगर ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा आपको क्या मिलेगा एसीटोन, क्या मिलेगा बेटा एसीटोन, ध्यान में रखना है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एसीटोन मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, इज इट क्लियर। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एसीटोन मिलेगा, एसीटोन का ड्रास्टिक क्या करोगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस डायरेक्ट H2SO4 फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे एसीटोन का तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इज इट क्लियर। फिर है टर्शरी अल्कोहल, तो यह है टर्शरी अल्कोहल बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है टर्शरी अल्कोहल का, आपने क्या किया K2Cr2O7 प्लस डायरेक्ट H2SO4 के प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन करता आपको क्या मिला पहले आइसोब्यूटिलिन मिला यानी अल्किन मिला, आइसोब्यूटिलिन को आपने फिर से ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करके क्या इसमें कन्वर्ट किया एसीटोन में कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल किस प्रकार से होती है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, बराबर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आपको पता है अल्कोहल में क्या होता है बेटा इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, बराबर। इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से अल्कोहल में यानी जो वाटर के साथ वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वाटर में वो HOH टाइप का बॉन्डिंग यानी एच अल्कोहल का एच और ऑक्सीजन वाटर का ये क्या बनाते हैं एक पोलर बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसलिए वाटर में अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इज इट क्लियर। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की। दूसरी बात ये है कि अल्कोहल में जो आपका ऑक्सीजन ये रहता है, बराबर है, वो क्या रहता है sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, क्या रहता है sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है इसका मतलब है कि ये क्या करेगा पोलर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो इसका नेचर है पोलर नेचर है यानी अल्कोहल आर पोलर कंपाउंड, इज इट क्लियर। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और उसमें हम देखेंगे इसमें इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए अल्डिहाइड कीटोन्स या अल्किल हलाइड इन सबसे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल से हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्किल हलाइड अल्किन्स या अल्काइंस वगैरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल भी ठीक से पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में, फिनॉल एंड ईथर्स।